आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि काम में डूबने का मतलब क्या होता है। एक आदमी था जिनका नौशाद नाम था, वो सिगरेट पी रहा था। सिगरेट पीते पीते वो इस सोच में था, इस ख्याल में खोया हुआ था कि हाथों जैसे पी रहा था सिगरेट, ऐसा करके सिगरेट आते आते पूरा हाथ जल गया, ये उंगली जल गया, ये उंगली जल गया, ये उंगली जल गया, इधर से उंगली जल गया, पूरा पांचों उंगली जल गया, हाथ का बीच में जो गैप आता है पूरा उंगली जल गया। इस ख्याल में वो खोया हुआ था कि उसको पता ही नहीं चला कि मेरा उंगली कब जल गया। इसको कहते हैं एक काम पर फोकस करना। एक काम पर फोकस करोगे आप, कितना साल है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, 5 साल के बाद तो सक्सेस हो गए मेरे भाई। आप सोच रहे हो कि मैं काम ज्वाइनिंग किया और मैं ऊपर डायरेक्ट बम फोड़ दूं, धमाका कर दूं, डायरेक्ट आसमान में पहुंच जाऊं, और छत पर भी चढ़ने के लिए सीढ़ी का सहारा चढ़ना पड़ता है मेरे दोस्त। सीढ़ी का सहारा लेके छत पर जाना पड़ता है। हम टाइम नहीं दे सकते अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में टाइम नहीं दे सकते। टाइम अपने लाइफ को जितना टाइम देंगे उतना ऊपर जाएंगे, ये सोच करके कोई बिजनेस कीजिए। कोई नहीं भाई हमसे नहीं होगा, उसका नसीब अच्छा था, हमारा नसीब खराब है। हम लोग ऊपर वाले को दोष देते रहते हैं कि उसका नसीब अच्छा था, हमारा नसीब नहीं अच्छा। अरे नसीब अच्छा क्या, वो मेहनत किया मेरे भाई, उनका स्टोरी जाके पढ़ो, वो मेहनत किया है अपना इतना लाइफ जो बनाया है अपने मेहनत के ऊपर। कोई भी बिना मेहनत, जितना भी सक्सेस आदमी है कोई भी बिना मेहनत के सक्सेस नहीं हुआ है। और हम लोग दोष देते रहते हैं मेरा नसीब खराब है, मेरा नसीब खराब है। जो बच्चा 10th क्लास में फेल हो गया, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने पहला चैप्टर में उसका स्टोरी लिखना पड़ गया महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को, उसका नाम है सचिन तेंदुलकर। 10th क्लास में, क्लास की किताब में किताब है, वो किताब में पहला चैप्टर में सचिन तेंदुलकर का नाम स्टोरी है पूरा, जबकि 10th में वो फेल हो गया था। ऐसा कुछ यूनिक करो मेरे भाई, क्या छोटी मोटी जेड से हार मान जाते हो, हार नहीं मानना मेरे भाई। आप लोग बोलेंगे क्या तू ऐसा बात करता है, क्या है तेरे अंदर जो ऐसा बात कर रहा है। मेरे बात पर बिलीव नहीं करोगे, भरोसा नहीं करोगे, यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं आप लोग को शाहरुख जी का, शाहरुख सर का एक वीडियो सुनाता हूँ, आप देखिए उसको क्या बोलता है शाहरुख सर। जो एक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो कुछ भी बनना चाहते हैं, कभी भी ज़िंदगी में ये ना सोचें कि यार मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, वो लकी था, वो ये था, वो ऐसा था, वो बड़े बाप का बेटा था, उसको चांस मिल गए। बिकॉज़ ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है और इंशाल्लाह हर किसी के साथ अच्छा ही होता है। मेरी फिल्म का डायलॉग है, अगर किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है, और ज़िंदगी के अंत में सब अच्छा ही होता है, और अगर अच्छा ना हो तो वो अंत नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अरे किसी ने क्या खूब कहा मेरे भाई कि एक अखबार हो क्या औकात है मेरी, कि एक अखबार ही हो क्या औकात है मेरी, अगर शहर में आग लगाने के लिए काफ़ी हूँ। मेरे भाई आप लोग ये बताना, आप लोगों की ज़िंदगी में दुख तकलीफ नहीं है, है ना? जब दुख तकलीफ ऐसे भी है मिडिल क्लास वाले लोगों को, तो हम लोग ये नहीं सोच सकते, ये नहीं सोच सकते कि मुझे भी पैसा कमाना है, मुझे भी अमीर बनना है। सोचने में क्या जाता है, इससे भी तकलीफ होगा, उससे भी तकलीफ होगा। जब मुझे इसमें भी तकलीफ हो रहा है तो मैं ये सोचूंगा जब मैं अमीर बनूँ, इसमें जब उसमें भी तकलीफ है, इसमें भी तकलीफ है, तो मैं ये क्यों नहीं सोचूँ फ़ायदा मेरे को इसमें है। ये सोच के मैं आगे बढ़ सकता हूँ, पैसा कुछ कमा सकता हूँ अपने सोच से। जैसे कि एक गरीब आदमी था, वो बैठ के खाना खा रहा था, तो वहाँ से एक पढ़ा लिखा बिजनेसमैन गुजरा, तो वो पूछा उससे क्या कर रहा है मेरा भाई, गरीब से पूछा बिजनेसमैन ने क्या कर रहा भाई, तो बोला खाना खा रहा हूँ। बोला खाना खा रहा, क्या खा रहा है खाना, तो बोला रोटी है और महसूस कर रहा हूँ कि सामने चटनी रखी हुई है, महसूस करके
डुबा डुबा के मैं खा रहा हूँ। तो अमीर आदमी ने, वो पढ़ा लिखा आदमी ने बोला, बिजनेसमैन ने, कि तू ये नहीं सोच सकता कि यहाँ गुलाब जामुन रखी है, यहाँ मुगले आजम, चमचम और भी कई कुछ नहीं सोच सकता। वो बोलता है गरीब आदमी, सर मैं गरीब आदमी हूँ, इससे ऊपर मेरी सोच ही नहीं गई। तो वो बोला, सोचने में तुम्हारा क्या टैक्स जाता है, क्या कुछ जाता है, सोचने में क्या है, सोचो, जो सोचोगे वो जिस पर बिलीव करोगे, आप भरोसा करोगे, जो सोचोगे, एक मेंट रखोगे, वो डेफिनेटली होगा, और उस पर मेहनत करोगे तो आप कहोगे मैंने ट्राई किया नहीं हुआ, ट्राई किया नहीं हुआ छोड़ दो, छोड़ दोगे बीच में, इतना दिन मेहनत किए, मेहनत करके टाइम वेस्ट किया आपका, क्या फायदा, किसको नुकसान हुआ, आपको ही नुकसान हुआ। तो फ्रेंड, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया, हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, ऐसे ही वीडियो ऐसे ही आप लोग के लिए मैं वीडियो बनाया, इसलिए प्यारा सा